जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मन में आस होती है अपने आराध्य के दर्शन की, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि एक देवता ऐसे भी हैं जिनके दर्शन की आज्ञा किसी को भी नहीं है, क्योंकि उनके विराट स्वरूप को देखने की ताकत किसी भी इंसानी आंख में नहीं है। इस शो में हम ऐसी कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे जो अनदेखी हैं, अनसुनी हैं, लेकिन सच से भरी हुई हैं। ऐसा सच जो चौंकाता भी है और बहुत सारे सवालों का समंदर भी सामने लाता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब कोई इंसान आज तक खोज नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वहीं से बात जो हमने बीच में छोड़ी थी, और आपको लिए चलते हैं एक ऐसे दिव्य और अद्भुत मंदिर में जहां जाते तो लाखों श्रद्धालु हैं, मगर देवता के समीप जाने की आज्ञा सिर्फ मंदिर के पुजारी को ही है, और वो भी कुछ पाबंदियों के साथ। आप भी उनके दर्शन तो कर सकते हैं मगर 75 फीट दूर से, क्योंकि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो देवता के विराट रूप का दर्शन अपनी आंखों से कर सके। एक ऐसा भव्य धाम जहां भगवान को खुली आंखों से देखना सख्त मना है। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां भक्त क्या पुजारी भी भगवान के दर्शन नहीं करते। एक ऐसा अलौकिक मंदिर जिसके गर्भगृह की चमक को देखना इंसानी आंखों के बस की बात नहीं। एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जिसके कपाट साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं और लग जाता है भक्तों का मेला। समुद्र तल से 8000 फीट ऊंचाई पर घने जंगलों और पर्वतों के बीच चमोली जिले के वाण में है ये रहस्यमय मंदिर, और इसी मंदिर में नागराज के रूप में अद्भुत मणि के साथ विराजमान है लाटू देवता। इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी है कई पौराणिक मान्यताएं, साथ ही ये मंदिर अपने भीतर कई रहस्य भी समाये हुए है। लाटू देवता के इस मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के आने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ मंदिर के पुजारी पहुँच सकते हैं, वो भी चेहरे और आंखों पर पट्टी बांधकर। मान्यता है कि रहस्यों से भरे इस मंदिर में नागों के देवता नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ रहते हैं, और मणि के साथ मंदिर में मौजूद नागराज को देख पाना आम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मंदिर में नागराज के दर्शन से भक्त अंधे तक हो सकते हैं ऐसा कहा जाता है, या फिर उनकी जान भी जा सकती है ऐसा यकीन है लोगों का। यही वजह है कि मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही जाते हैं, और वो भी बहुत सावधानियों के साथ। पुजारी मंदिर में प्रवेश करते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तब मंदिर में दाखिल होते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधने के साथ साथ अपने मुंह पर भी पट्टी बांधते हैं, वो इसलिए कहीं उनके मुंह की गंध देवता तक और नागराज की विषैली गंध पुजारी की नाक तक ना पहुंच जाए। इसकी पुष्टि मंदिर के आसपास रहने वाले लोग भी करते हैं। लाटू देवता है, ये लाटू देवता कन्नौज के ब्राह्मण, मतलब जब ये कैलाश के लिए जा रहे थे तो इनके साथ जो पांडवों मतलब भगवान विष्णु का दल जो था, तो ये अपने स्थान ये वाण के लिए रवाना हुए, तो पांडवों को यहाँ वाण आने की आज्ञा नहीं दी, तो पांडवों ने जब यहाँ जगह मांगी तो लाटू ने आज्ञा दी कि यहाँ मेरा स्थान है, यहाँ आना, तो आप बद्रीनाथ जाइए, वहाँ वहाँ विष्णु भगवान की सेवा किए। तो जब लाटू यहाँ आए तो लाटू जब यहाँ पर आए तो यहीं पर लिंग हो गए, तो यहाँ पर लाटू देवता का मंदिर है, ये भी सदियों का पुराना मंदिर। लाटू देवता के इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन वैशाख पूर्णिमा पर ही खुलते हैं। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु अगले 6 महीने तक 75 फीट दूर से ही भगवान लाटू देवता के दर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद कार्तिक बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान लाटू देवता के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लाटू देवता की जो मानता है वो माँ नंदा देवी के धर्म भाई माने जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष एक छोटी यात्रा चलती है नंदा देवी राजजात, और 12 वर्ष में एक भेड़ की जो यात्रा चलती है जिसको बोलते हैं नंदा देवी राजजात। उस यात्रा के दर्शन करने के लिए एक माँ नंदा देवी की जो कैलाश यात्रा होती है, आप लोग देखोगे तो नंदा गुमटी और त्रिशूल माउंटेन के बीच में एक होमकुंड करके एक जगह है जहाँ पर यात्रा का समापन होता है। उस यात्रा के दौरान
भगवान सिद्धपीठ लाटू देवता जी आगे के अगवानी बनकर, माँ भगवती के धर्म भाई बनकर, ये रास्ते के पूरे मतलब एज ए गाइड के रूप में मैं कह सकता हूँ, और एज ए धर्म भाई के रूप में उनको रास्ता दिखाने के लिए पूरी यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उत्तराखंड ऐसे कई रहस्यों से भरी पड़ी है ये देवभूमि। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां देवी देवताओं का वास है। देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं और इनमें से कई मंदिर आज भी भक्तों के लिए एक पहेली है। तो लाटू देवता का मंदिर भी एक ऐसा ही मंदिर है। अब सवाल यह है कि लाटू देवता की कहानी क्या है, कौन है लाटू देवता और चमोली जिले के इस इलाके में कैसे विराजे, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लाटू देवता भगवान भोले और मां नंदा के सेनापति थे। एक बार वो कहीं से आ रहे थे और रास्ते में काफी रात होने पर उन्होंने चमोली के वाण क्षेत्र में ठहरने का फैसला किया। वे एक वृद्ध महिला की कुटिया में गए, वहां उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। बुजुर्ग महिला ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उनसे मटके में रखा पानी खुद निकाल कर पीने के लिए कहा। लाटू पानी निकालने गए तो वहाँ दो मटके थे, एक में पानी रखा था और दूसरे में शराब थी। लाटू देवता ने गलती से मटके से शराब पी ली, इस वजह से उन्हें नशा हो गया और गिर पड़े। गिरने की वजह से उनकी जीभ कट गई, जिससे वे गूंगे हो गए। जब माँ नंदा देवी को इसका पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने लाटू से कहा कि आज के बाद तुम यही देवता के रूप में पूजे जाओगे। जब भी मैं मायके से ससुराल जाऊंगी तब तुमसे मिलकर जाऊंगी और यहाँ से आगे तुम मेरी यात्रा के अगवानी करोगे। इसके बाद से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। 12 वर्ष में यात्रा होती है, जिस वर्ष में लाटू देवता के यहाँ पर दर्शन होते हैं, नंदा देवी यहाँ से दर्शन करवा के और इस मार्ग से कैलाश के लिए निकलती है। ये है लाटू देवता की मेन परंपरागत और मान्यता। नंदा देवी के धर्म भाई होने के कारण लाटू देवता की विशेष मान्यता है। देवभूमि में हर 12 साल में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान वाण से आगे ऊंचे हिमालय क्षेत्र में यात्रा की अगुवानी लाटू देवता ही करते हैं। वाण से आगे निर्जन पड़ाव की यात्रा के दौरान नंदा देवी को विदा करने के लिए लाटू देवता धर्म भाई की अपनी भूमिका निभाते हैं। लाटू देवता के इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। भले ही इस मंदिर में भक्त अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हों, फिर भी भक्त यहां पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब यहां विशाल मेले का आयोजन होता है। दूर से ही सभी भक्त अपने आराध्य लाटू देवता के दर्शन करते हैं। भक्तों की आस्था है कि भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरे करते हैं। तो देखा आपने, लाटू देवता के इस मंदिर में नागराज और उनकी दिव्य मणि में इतनी शक्ति है कि उन्हें आंखों से देखना खतरे से खाली नहीं। और यही वजह है कि लाटू देवता को खुली आंखों से देखने पर पूरी तरह से पाबंदी है। भक्त यहां आते हैं, दूर से ही दर्शन करते हैं और अपनी मन मांगी मुराद पाते हैं। कहते भी हैं कि हर आस्था का एक अनुशासन होता है और नागराज से जुड़ी इस आस्था और इसके अनुशासन पर सवाल उठाना किसी भी इंसान के बस में नहीं है।